हाँ तो गाइस कैसे आप लोग, मैं हूं आपका नूब यूट्यूबर। फिर वो घड़ी आई गई जिसका हमें परसों से इंतजार था। तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल देखा भाई, बिल्डर बेस 2.0 आने वाला है, ठीक है। तो इसमें कौन से नए हीरोज है, कौन से ट्रूप्स है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, या आज हम लोग सब कुछ बात करेंगे भाई नए ट्रूप्स और सब चीज़ों के बारे में। तो भाई धीरे से शांति से पूरा वीडियो देख लो और भाई एक लाइक कर देना यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो गाइस देखो, बिल्डर बेस 2.0 पे तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट देखो हम लोग सब इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो है भाई हमारा नया हीरो। तो भाई नया हीरो जो है उसका नाम है यार बैटल कॉप्टर। तो भाई ये कैसे काम करता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस ये रहा देखो अपना बैटल कॉप्टर। तो भाई ये देखो ये काम कैसे करता है, ये एयर को भी मारता है, मतलब एयर में जो भी है चीज़ें उसको भी मारता है और ग्राउंड को भी मारता है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो ब्लू लाइन जा रही है ना आपको ऊपर दिख रही है, वो उसकी एबिलिटी है। देखो जो तीन स्टेजेस है उसमें, पहला स्टेज है ब्लू वाला जो पर्पल हो जाएगा बाद में वो मारेगा, फर्स्ट एबिलिटी यूज़ कर पाएंगे। फिर सेकंड वाला जो ब्लू उसमें देखो जा रहा है वो पर्पल हो जाएगा, तो भाई उसमें हम लोग सेकंड एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं उसके। और जब वो थर्ड पे भी जाएगा पूरा वो ब्लू और पर्पल दोनों हो जाने के ख़त्म होने के बाद बाद में हम लोग उसकी एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि देखो फर्स्ट जो स्टेज है वो पर्पल हो चुका है, अभी ये सेकंड स्टेज भी पर्पल हो चुका है, अभी ये जो ब्लू स्टेज है वो भी देखो थर्ड स्टेज भी पर्पल हो चुका है। तो अभी इसकी अगर एबिलिटी यूज़ करते हैं तो देखो भाई ये कैसे मतलब फटेगा। देखो अब इसकी एबिलिटी हम लोग यूज़ करते हैं, देखो इसकी एबिलिटी यूज़ कर दी तो देखो सब आजू बाजू चीज़ों में यार वो फटा और सब मतलब आजू बाजू की चीज़ें चल जाएगी। तो भाई ये थी कुछ बैटल कॉप्टर की एबिलिटी, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं यार अपने हाँ तो गाइस देखो ये है हमारा कैनन। यार पहले कैनन कैसा था ना, फिर नॉर्मली सिर्फ कैनन कार्ड को उतारो बस मारता था। अभी देखो उसमें एबिलिटी, अभी जैसे ही कैनन को हम लोग ने एबिलिटी यूज़ की, ठीक है, तो वो मोटर मतलब मोटर में तकदीर हो जाए। अभी देखो ये मोटर है, अभी उसके आजू बाजू जितनी भी चीज़ें उसको दिख रही है वो उतने को मारेगा। अभी जैसे उसको भाई कुछ दिखेगा नहीं, मतलब मोटर क्या एक जगह पे रहेगी ना, अभी उसको हम लोग फिर से एबिलिटी यूज़ करेंगे तो भाई अभी वो कैनन कार्ट में चेंज हो जाएगा। देखो अभी हम लोग इसकी एबिलिटी यूज़ करेंगे तो देखो कैनन कार्ट में चेंज हो गया, फिर से हम लोग उसको प्रेस करें तो भाई मोटर में चेंज हो जाएगा। तो भाई ये इसकी सबसे यार स्पेशल एबिलिटी है, ये मुझे तो अभी तक का सबसे बेस्ट लगा है भाई ये कैनन कार्ट। तो क्या होगा ना कि भाई हम लोग आजू बाजू बेस के स्प्रेड कर देंगे थोड़ा, जिस मतलब जब तक कोई डिफेंसेस ना उसको हाथ लगा पाए तब तक हम लोग उसकी एबिलिटी यूज़ करेंगे मोटर वाले, तो भाई दूर दूर से सब कुछ ख़त्म कर दे। तो आपको कैसी लगी यार ये एबिलिटी एक बार कमेंट करके बताना, और भाई लाइक करो जाओ फटाफट लाइक सब्सक्राइब ऐसे अपडेट के लिए। अभी देखो फिर से प्रेस मोटर, देखा बहुत ही मतलब अच्छी एबिलिटी है। तो चलो ये बात हो गई यार मोटर की, अभी हम लोग बात करते हैं। तो अभी गाइस देखो ये आ गई विच, अभी आप सोच रहे होगे कि भाई इसमें क्या खास है। तो भाई देखो हम लोग इसकी एबिलिटी जैसे यूज़ करेंगे तो जो बैट्स है ना वो रेज आएंगे भाई, रेज्ड हो गए प्लस भाई ज़्यादा बैट्स आएंगे। तो भाई विच की ये स्पेशल एबिलिटी है। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है वो हमारा जायंट, ठीक है। तो जायंट कैसे काम करने वाले, तो गाइस देखो ये आ गए जायंट्स। अभी देखो हम लोग नॉर्मली जायंट को ऐसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अभी देखो आप उस पर देखो नंबर लिखा है, अभी हम लोग ने जो पहले आर्मी कैंप से जायंट उठाया है उस पर लिखा है 1 और दूसरे वाले पे 2। तो 1 मतलब वो सिर्फ नंबर है। देखो अभी देखो वो जायंट जो है ना, देखो वार्डन की एबिलिटी जैसे है ना वैसे काम कर रहा है। देखो उसको डैमेज ही नहीं होगा कुछ 5 से 6 सेकंड के लिए, ठीक है। वो वार्डन की एबिलिटी कैसी हो जाती है वैसे, और वो जो नंबर है वो सिर्फ डेडिकेटेड नंबर है कि भाई पहला जायंट आपने इधर लेफ्ट साइड पर उतारा है तो वही वो नंबर उधर पहले जायंट का और दूसरे पर उतारा तो दूसरा। तो भाई ये तो गाइज नेक्स्ट है यार ये बलून्स। तो भाई ये नॉर्मली बलून ऐसे देखो नीचे स्केलेटन ड्रॉप करते हैं, बट यार ये अभी ऐसा नहीं है। अगर इसके आप लोग एबिलिटी यूज़ करते हैं ना तो भाई ये इसके नीचे देखो छोटा सा बॉम्ब दिख रहा रहेगा भाई, वो ये नीचे गिरा था देखा जैसे कि आपने देख, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं यार ये आर्मी, हाँ तो गाइज देखो ये है आर्मी कैंप। तो देखो भाई नॉर्मल जो आर्मी कैंप है ना वो हमारा क्या होता था कि भाई 8 चीज़ें रहती बस उसमें, नॉर्मली हम लोग 8 चीज़ें लेके जाते थे 7 आर्मी कैंप। अभी कुछ ज़्यादा ही है, मतलब देखो यहाँ पर लिखा है भाई रेनफोर्समेंट साइड में, तो भाई वो जो रेनफोर्समेंट वाला है ना वो दूसरे बेस के लिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइज अभी आपको 2 बेस दिख रहे थे, तो भाई वो जो है ना वो लेफ्ट साइड वाले बेस के लिए रेनफोर्समेंट आर्मी, और अभी ऑटो हट है ना वो लेफ्ट वाले बेस का इंपॉर्टेंट डिफेंस भाई जिसके अंदर से ये जैपी निकलेगी। अभी ये जैपी एक्चुअल में कैसे काम करता है अभी तक तो कुछ आया नहीं है न्यूज़ अपडेट, जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो भाई ये नॉर्मली हम लोग अगर पैक का होता है तो भाई नॉर्मली ऐसे मारते हैं, बट अभी इसकी एबिलिटी अगर प्रेस करते हैं तो भाई जैसे इलेक्ट्रो टाइटन के आजू बाजू रिंग बनती है ना वैसे इसके आजू बाजू भी रिंग बनेगी।
हाँ तो गाइस देखो यही था कुछ यार अभी तक का अपडेट। अगर जैसे ही आगे का अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे रहने वाला। और अगर आपको यार सच्ची में ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।